गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास 8th हिंदी लेसन 5 आप किनके साथ हैं. इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी. प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि जीवन में कर्मों का विशेष महत्व है. जो मनुष्य साहस, उद्योग या परिश्रम और निर्भयता से जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है. तो चलिए देखते हैं हम आज की यह कविता. देखिए, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़. सफलता कहती है कि मैं उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हूँ जो अपनी बात को सबके सामने सीधे रूप से प्रस्तुत करते हैं, सीधे रूप से कहते हैं, जो अपनी बात को बहुत घुमा फिरा के नहीं, सीधे रूप से अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं. आगे देखिए, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार. सफलता कहती है कि मैं उनको भी प्राप्त होती हूँ जो न्यायोचित, न्यायोचित मीन्स होता है न्याय संगत, जो अपने न्याय संगत अधिकारों को छोड़ते नहीं है. आगे देखिए, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार. और मैं ऐसे लोगों को भी प्राप्त होती हूँ जो किसी के भी अत्याचार को सर झुकाकर सहन नहीं करते हैं, उसका डटकर सामना करते हैं. मैं ऐसे लोगों को प्राप्त होती हूँ जो किसी के अत्याचार को सर झुकाकर उसको सहन नहीं करते हैं और उसका डटकर सामना करते हैं. आगे देखिए, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़. कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो किसी के भी अत्याचार को सिर झुकाकर सहन नहीं करते हैं, न्याय संगत अधिकार को छोड़ते नहीं हैं, मैं ऐसे लोगों को प्राप्त होती हूँ जो अपनी बात को घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने. आगे देखिए, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार. कह रहे हैं कि जो बिना किसी के डर से अपने हृदय के विचारों को दूसरों के सामने कहते हैं. निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार. कह रहे हैं कि जो बिना किसी के डर से अपने हृदय के विचारों को कहते हैं और जिनकी जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार. अंतर, अंतर मीन्स होता है हृदय, अंगार मीन्स ज्वाला. कह रहे हैं कि जो अपने हृदय की बातों को, हृदय की ज्वाला को, अपनी बातों को, अपने हृदय की बात को, अपने मन की बात को बिना किसी के डर से बोलते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, मैं उन्हीं को प्राप्त होती हूँ. सफलता कहती है कि मैं उन्हीं को प्राप्त होती हूँ जो अपने हृदय की बात को, जो अपने मन की बात को बिना किसी के डर से कहते हैं. आगे देखिए, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर. कह रहे हैं कि जिनको चुप नहीं कर सकती है अत्याचारियों की तलवार, जिनको चुप नहीं कर सकती अत्याचारियों की तलवार भी, ऐसे लोगों को मैं प्राप्त होती हूँ. ये सफलता कहती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ होती हूँ जो अत्याचारियों का भी डटकर मुकाबला करते हैं. तो आज बस इतना ही. आगे कल आज का होमवर्क है ये जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाई हूँ उसको आप फिर से पूरा पढ़ेंगे. थैंक यू.